भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विविध मांगों को लेकर निकाला तहसील कार्यालय पर मोर्चा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गढ़चिरौली द्वारा किसानों को विभिन्न मांगों को लेकर आज आरमोरी के बाबा साहेब अम्बेडकर भवन से आरमोरी तहसील कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला गया, जहां बहुसंख्यक नागरिक एक मोर्चे में शामिल हुए। भारी बारिश से तबाह हुए किसानों को 50,000 का मुआवजा देने की प्रमुख मांगों के साथ जब ब्राण ज्योत किसानों को जमीनों के स्थायी पट्टे, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने सहित अन्य प्रमुख मांगे शामिल हैं। नवभारत समाचार गढ़चिरौली से इलियास की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आज किसानों और मजदूरों का मोर्चा महाराष्ट्र के और केंद्र के सरकार को मांग करता है कि किसान तबाह हो चुका है, उनको जीने के लिए कम से कम हेक्टरी 50,000 रुपए नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। इस प्रमुख मांग को लेकर हम आए हैं। और भी हमारी मांगे हैं। निराधारों को 1,000 रुपए मानधन मिलता है, 1,000 में वो महंगाई प्रचंड बढ़ चुकी है और 1,000 में जीना मुश्किल है, इसलिए उनको 5,000 मिलना चाहिए। मासिक पेंशन का कानून बनाना चाहिए केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी लेके आया। बिजली का खाजगीकरण की तरफ विधेयक आ चुका है और फिर से बढ़ी हुई बिजली के जो दाम है वो भी कम होने चाहिए। ये मांग को लेकर महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल गैस की कीमती कम होनी चाहिए। ये प्रमुख मांग के लिए हम आज महाराष्ट्र के सरकार को विज्ञापन देने के लिए आए।